brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. बसपा से माननीय श्री शिव प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं जसवंत नगर और करहल से। अब की बार भूसी यादव ज्यादा से ज्यादा माननीय श्री शिव प्रसाद जी को वोट करेगा। आपको लगता है ये घोसी और कमरिया फैक्टर ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा। मेरी सर्वजन सुखाय पार्टी कई वर्षों से, 2 वर्षों से काम कर रही है इसी प्रकरण पे। हमारी पार्टी का यही मोटो है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने घोसियों को संगठित करें और माननीय श्री प्रसाद जी को भारी वोटों से जितवाएं। 5 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी हार रही है और हमारे बीएसपी से जो कैंडिडेट हैं माननीय शिव प्रसाद यादव जी भारी मतों से विजयी होके आ रहे हैं 4 तारीख। विजयी होके आ रहे हैं। एक सवाल है मेरा, जैसे सामने जी डिंपल यादव और बीजेपी से जयवीर सिंह जी, लेकिन पुराना अगर वो देखा जाए, चूंकि जो पहले प्रत्याशी थे गुलशन साक उनका टिकट काट दिया बीएसपी ने, तो आपको नहीं लगता कि साक नाराज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं जहां बीएसपी की एक कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंग चल रही है। आज ही बसपा प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव ने नामांकन कर दिया है और जिस हिसाब से कार्यकर्ता इनके जुटे हुए हैं, मैनपुरी का मुकाबला अभी तक भाजपा और सपा में देखने को मिल रहा था, लेकिन इनके आने के बाद कहीं ना कहीं ये जरूर आ रहा कि ये मुकाबले को त्रिकोणीय जरूर बना देंगे। हमारे साथ हैं कुछ बसपा के कार्यकर्ता, आइए उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र प्रताप सिंह नाम है। मैं सर्वजन सुखाय पार्टी का इटावा जिला का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये जो लोकसभा के क्षेत्र में? हाँ, मेरे मैनपुरी लोकसभा में हमारा ताखा ब्लॉक आता है, जसवंत नगर विधानसभा आती है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो करहल और जसवंत नगर वही सबसे ज्यादा लीड देती है। ये बात पूर्व में रही है, पर इस बार जो है बसपा से माननीय श्री शिव प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं जसवंत नगर और करहल से। अब की बार भूसी यादव ज्यादा से ज्यादा माननीय श्री शिव प्रसाद जी को वोट करेगा। आपको लगता है ये घोसी और कमरिया फैक्टर ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा। मेरी सर्वजन सुखाय पार्टी कई वर्षों से 2 वर्षों से काम कर रही है इसी प्रकरण पे। हमारी पार्टी का यही मोटो है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने घोसियों को संगठित करें और माननीय श्री प्रसाद जी को भारी वोटों से जितवाएं। ये बता रहे हैं घोसी और कमरिया जो ये कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये, जब मैंने उनका भी इंटरव्यू किया आपके प्रत्याशी जी का, तो उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया, लेकिन पिछले अगर चुनाव देखे जाए तो ये फैक्टर कहीं नजर नहीं आता, लेकिन ये भी कहा जाता है कि घोसी यादवों की तादाद जो है यहाँ पर ज्यादा है, कुछ है ऐसा? यादवों का जो 90% वोट है वो घोसी समाज का है, 10% वोट आता है वो कमरिया समाज का है। अभी आपने जो कहा है कि घोसी कुमरिया की बात जो कर रहे हैं, अशोक यादव जब चुनाव लड़े थे तब घोसी यादव समाज ने बहुत बहुमत से वोट दिया था, कुछ कार्ड बस अधिकारियों से कुछ मन मिटाव होने के कार्ड वो ये थोड़ा धोखा खा गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं मैनपुरी जिलाध्यक्ष सर्वजन सुखाय पार्टी का हूँ, काफ़ी लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ और मैं ये वादा करता हूँ आपसे और पूर्ण विश्वास है कि हमारे समाज का वोट 45 से 60% वोट समाज सर्वे को जाएगा, बीएसपी को वोट जाएगा और शिव प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत करेगा और 7 तारीख को एक एक वोट पड़ेगा और 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो शिव प्रसाद यादव भारी मतों से विजयी होंगे, ये कोई भी ढूंढे नहीं मिलेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते। किस तरीके, क्योंकि 96 से लगातार समाजवादी पार्टी एक छत्र मतलब राज कर रही है, 40 साल से मैनपुरी को समाजवादी पार्टी ने गुलाम बना रखा है। मैंने उस दिन रोड शो जब किया था 3 तारीख को, उस समय भी कहा था, मीडिया के लोग थे, सभी मीडिया बंधुओं ने बहुत पेपर में निकाला, सभी कहा कि ये 40 साल से गुलाम मैनपुरी को आजाद कराने के लिए शिव प्रसाद यादव जी आए हुए हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, हम लोग अपने मैनपुरी को आजाद कराएंगे, इसको पूर्ण और विश्वास है हम लोगों के साथ। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है, आप इसमें सर्वजन सुखाय में किस पद पे हैं? मैं इटावा जिला का जिला अध्यक्ष हूँ सर्वजन सुखाय पार्टी से।
एक चीज बताइए, आपके जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने ही पार्टी बनाई थी, अब चूंकि ये बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रसाद यादव जी, तो क्या सर्वजन सुखाय पार्टी का विलय होगा बसपा में, या क्या किस तरीके से? नहीं नहीं, मेरी सर्वजन सुखाय पार्टी रहेगी, बसपा से मेरी पार्टी का गठबंधन है, और मेरा जो चुनाव चिन्ह हमें जो 10 दिन के लिए मिलता, तो मैं पूर्ण जनता के पास अपना चुनाव चिन्ह नहीं पहुंचा सकते थे, इसको देखते हुए मैंने बसपा से गठबंधन किया और मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारी मतों से विजयी बनाने का पूरा संकल्प ले चुका हूं और रात दिन ये काम करूंगा। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या नाम है? जी अमन कुमार यादव। अमन जी, कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को? जी मैं भोगांव विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, और भोगांव विधानसभा की स्थिति में बताऊं तो समाजवादी पार्टी कभी भी वहां से जीती नहीं है, लेकिन पिछला जो उपचुनाव हुआ है उसमें तो बिल्कुल यादव को बहुत अच्छी जीत, जो उपचुनाव हुआ था वो माननीय नेताजी की श्रद्धांजलि के रूप में हम लोगों ने वोट किया था, लेकिन अब की बार दिखाना है भोगांव विधानसभा नहीं, पांचों विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी हार रही है, और हमारे बीएसपी से जो कैंडिडेट हैं माननीय शिव प्रसाद यादव जी भारी मतों से विजयी होके आ रहे हैं 4 तारीख। एक सवाल है मेरा, जैसे सामने डिंपल यादव और बीजेपी से जयवीर सिंह जी, लेकिन पुराना अगर वो देखा जाए, चूंकि जो पहले प्रत्याशी थे गुलशन साक, उनका टिकट काट दिया बीएसपी ने, तो आपको नहीं लगता कि साक नाराज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी भी उसी दिन ज्वाइन कर ली जिस दिन नॉमिनेशन। बिल्कुल नहीं, सभी को पता है कि माननीय गुलशन साक जी किस तरीके से क्षेत्र में थे और किस रूप को लेके आए थे क्षेत्र में। आपकी मुस्कुराहट कुछ और बता रही है, जरा डिटेल में बताएंगे? वो आप सब लोग समझते हैं इस चीज को कि वो आप किस रूप से आए थे, और वो समाजवादी पार्टी के रूप में ही आए थे प्रत्याशी बनके, इसीलिए बीएसपी ने उसको उनको हटाया है। नहीं, एक चीज बता रहे हैं, मतलब समाजवादी पार्टी के डमी कैंडिडेट के, मैं नहीं कह सकता हूँ इस चीज को, आप लोग समझते हैं, और माननीय शिव प्रसाद यादव जी को इसीलिए टिकट दिया है क्योंकि मैनपुरी अब की बार करके दिखाना है कि मैनपुरी कभी बीएसपी नहीं जीती। अब की बार 4 जून को वो नतीजे आने वाले हैं जो कि सबको चौंकाने वाले होंगे नतीजे। लेकिन सपा के लोग कह रहे हैं कि ये जो शिव प्रसाद यादव जी को टिकट दी गई, ये भाजपा के लोगों के उस पर आई है। मैं भी तो कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी एमपी में अगर चुनाव न लड़ती तो कांग्रेस सरकार बन जाती, समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की भी पार्टी है, समाजवादी बिल्कुल बीजेपी की बिल्कुल पार्टी बिल्कुल पार्टी है। अगर ये कांग्रेस वो एमपी में चुनाव न लड़ती समाजवादी पार्टी, तो कांग्रेस सरकार बन जाती वहाँ, मैं तो मानता हूँ इस चीज को। अब वो विलम्ब लगाने के लिए कोई भी विलम्ब किसी पे भी लगा सकता है, इसके लिए कोई उस पर रोक नहीं लगा सकता। एक नई बात कही इन्होंने कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है जबकि बसपा के लिए बोलते हैं, ये तो उनकी दिमाग की बात है, हो सकता है ऐसा हो, इसके बारे में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ब्लॉक ताका से आता हूँ, मैं सर्जन सुखाय पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, और मैं अपने नेताजी को बड़ी मोहब्बत से वहाँ जिताने का काम करूंगा। जय। क्या लगता है आपको, क्योंकि जसवंत नगर के तहत ही आती है ताका तहसील, तो वहाँ पे बहुत अच्छी लीड मिलती है, वहाँ यादवों की संख्या बहुत अधिक है, ऐसी वोट भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ से माननीय शिव प्रसाद जी साक्यों का वोट भी बहुत अच्छा जी, वहाँ साक्यों को भी वोट भी मिलेगा, और अगर ओवरऑल पूरे लोकसभा की बात की जाए तो साक्य जो है वो दूसरे नंबर पे आता है जी, और इस बार साक्य कोई कैंडिडेट नहीं है जी, तो आपको लगता है किंग मेकर की भूमिका में जो साक्यों का वोट सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा प्रसाद जी को, क्योंकि ये तो साक्य की टिकट काट तभी नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो पार्टी का निर्णय है, पार्टी बहन जी ने जिसको मतलब वोट टिकट दिया है वो मैदान में है, और ताका ब्लॉक से बहुत अच्छी जीत कर रहे हैं जी जी। कैसे, क्या कह रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन यादव है, मैं ताका ब्लॉक का रहने वाला हूँ, और माननीय जो हमारे बसपा से प्रत्याशी माननीय श्री शिवप्रसाद जी हैं, और ताखा ब्लॉक से नंबर 1 में उनकी विजय होगी, और जो बसपा के प्रत्याशी जो सपा के प्रत्याशी माननीय डिंपल जी हैं उनको पता चल जाएगा कि ताखा में कितना वोट मिला हुआ है। अच्छा बता रहे मैं मुलायम सिंह यादव के सामने भी ये चुनाव लड़ चुके मात्र 4000 विधानसभा से, बर्तना विधानसभा में मुलायम सिंह यादव जी जब चुनाव लड़े हुए थे तो बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, उनके रहते हुए भी 19 राउंड तक मुलायम सिंह हारती रही, 19 राउंड तक 19 बराबर हारती रही, जबरदस्ती पर उनको मुलायम सिंह को जिताया गया, क्योंकि उनको बड़े भाई पद पर थे तो उनको जिता दिया गया है। दूसरी बार जब उपचुनाव हुआ तो हमारे माननीय नेताजी को बहुत पूर्ण बहुमत से विजयी हुई,
दूसरी बार जीत गए जी। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अखिलेश यादव है, मैं ताखा ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, सभी यहाँ पे ताखा के हैं? हाँ, ताखा के हैं, बड़ी संख्या में आए हैं साहब। और बात ये है कि वोट हमारा और राज्य उनका ये नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग गोसी समाज से आते हैं। मैं इनको बड़ी भारी संख्या में इनको शिवप्रसाद यादव को जितवाएंगे, और ये राम गोपाल जी बोलते हैं कि 100-200 वोट उनके पड़ जाएं, उनको इस अपनी वाणी पर संयम रखें और उनको अखाद का पता लग जाएगा कि क्या होता है कि 100-200 वोट शिवप्रसाद यादव उनको रगड़ रगड़ के 18 राउंड तक घसीटेंगे, याद दिला देंगे कि उनकी छठी का दूध कैसा होता है, उनको छठी का याद दूध दिलवा देंगे। और मैं लोग बड़ी मेहनत से करेंगे, शिवप्रसाद यादव को दिल्ली भेजूंगा और डिंपल को जो है कम से कम 50,000 वोटों से हारवाऊंगा, ये मैं लोग प्रतिज्ञा करता हूँ। लेकिन वहां से जसवंत नगर से विधायक तो शिवपाल जी हैं, तो और उनका उनकी बहुत अच्छी पकड़ है वहाँ भी। हमारे लोग कम से कम 80% आते हैं, गोसी समाज से आते हैं। हमारा पहला प्रत्याशी अभी आया है, कभी भी अभी से कभी नहीं आया है, जब से लोकसभा लोकतंत्र ये आया होगा। आप लोग खगोल कर लेना, पीछे देख लेना कि गोसी समाज से कोई भी यहाँ से बैनपुरी का जो है टिकट नहीं लड़ा है, ना प्रत्याशी बनाया गया है, पहली बार है। हम लोगों में जोश है, हम लोग उनको दिल्ली भेजने का काम करेंगे। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो वैसे बात है, कई बार ऐसे होती है घोसी कमरिया ये बात चलता है, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तब ये चीज नहीं देखने को मिलती है। नहीं, आपकी बार आपको मिलेगा, मेरा प्रत्याशी आया, आपकी बार आपको गांव गांव मिलेगा। आप पहले जाइए, आप गांव गांव में आपको प्रत्येक मिलेगा। आपको मतलब ये भी घोसी है? हाँ, ये घोसी समाज से आते हैं, ये कमरिया समाज से हैं, और हम लोग 80% यहाँ मैनपुरी में है, ये केवल 20% में है। क्या नाम है आपका? दुर्गेश चंद्रा। दुर्गेश जी, ये बताइए इस बार कैसा लग रहा है, क्योंकि जो साख कैंडिडेट का टिकट कटा वो तुरंत जाके समाजवादी पार्टी जी साख की नाराजगी नहीं होगी? साख के बिल्कुल नाराज नहीं है, साख के हमारा कैडर वोट रहा है बहुजन समाज पार्टी का। जब माननीय साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था, तो उस समय हमारे पास पाल कश्यप साख के वोट पुराना वोट है, कैडराइज वोट है, जो हमेशा बसपा के साथ खड़ा रहता है। साख के अगर नाराज है, जो भी 10-20% समाजवादी पार्टी में जो काम कर रहा था, तो वो 10-20% साख भी समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि यहाँ के जो साख के जिलाध्यक्ष थे श्री आलोक साख जी, उनको MLC बनाने की बात हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पे उनको MLC नहीं बनाया और एक यादव समाज की व्यक्ति को MLC बना दिया। साख के समाज में इस बात का भी बहुत बड़ा रोष है, और साख के समाज मैनपुरी का निर्णायक भूमिका में और एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को वोट करने जा रहा है सर। क्या नाम है आपका? मुकेश गौतम, विधानसभा अध्यक्ष सदर मैनपुरी BSP। क्या लगता है आपको इस बार? इस बार शिव प्रसाद यादव भारी मतों से जीत रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का जितना भी पदाधिकारी है शिव प्रसाद यादव जी के साथ है, तन मन से जी। कैसे लग रहा, क्योंकि जो यहाँ पे सपा का गढ़ माना जाता है, क्योंकि तमाम बार कोशिश हुई लेकिन यहाँ पे कामयाबी नहीं मिली, तो इस बार क्या फैक्टर है? क्योंकि एक तरफ जयवीर सिंह जी और एक तरफ डिंपल यादव, दोनों ही मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। इस बार जो भी है, जो नेता लड़ रहे हैं, चाहे सपा से हो चाहे BJP से हो, लेकिन इसमें दो पार्टियां लड़ रही हैं, तो दोनों पार्टियों मिलकर जो दोनों हल्के पड़ रहे हैं, हमारी BSP जिंदाबाद रहेगी और हमारे माननीय जो प्रत्याशी जी हैं वो भारी मतों से विजयी होंगे। तो ये थे हमारे साथ में बसपा के कार्यकर्ता और समर्थक, उनके शिव प्रताप यादव जी के। इनका मानना यह है कि इस बार शिव प्रसाद यादव ऐसी कड़ी टक्कर देंगे, क्योंकि वो जसवंत नगर के बर्थना से आते हैं, जो कि मैनपुरी लोकसभा का ही हिस्सा है, और ये पहले भी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में थे और मात्र 4,000 वोटों से केवल ये हार गए थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मैनपुरी का मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच रहता है, या इन्होंने आके इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, UP तक।